वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बहुत से लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में फ़र्क होता है। इन दोनों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग ही हैं। आज हम इसी को जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग में हमें प्रॉफिट तभी होता है हमने जिस कंपनी के शेयर को बाय किया है वो कंपनी लॉन्ग टर्म तक अच्छा रिस्पॉन्स करती रहे, जिसे हम कंपनी की कैपिटल बढ़ने के साथ साथ उसके शेयर प्राइस भी बढ़े जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सके। यानी इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट कंपनी की ग्रोथ की वजह से ही होता है, क्योंकि कंपनी की शेयर प्राइस शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे हुआ करती है, जिसमें अगर आप किसी शेयर को लो प्राइस पर बाय करके उसको हाई प्राइस पर सेल कर देंगे तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है और इसी को हम ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग करने वाले लोगों को ट्रेडर्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में हम शेयर प्राइस की मूवमेंट से ही प्रॉफिट बना पाते हैं, जिसमें हमें ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कंपनी अच्छी है या बुरी, क्योंकि इसमें हम बस शेयर प्राइस के मूवमेंट को ही देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि किसी कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ सकती है और अगर सच में उस कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ जाती है तो हम इसे हाई प्रॉफिट पर सेल करके अच्छा बेनिफिट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में हर शेयर की मूवमेंट एक पैटर्न पर ही चलती है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि शेयर की प्राइस कब ऊपर जाने वाली है कब ऊपर नहीं जा पाएगी। और यहाँ पर आप प्रॉफिट शेयर के प्राइस के ऊपर जाने या नीचे जाने पर दोनों पर ही कमा सकते हैं। बस इसके लिए आपको सही डिसीजन लेना ज़रूरी होता है, जिसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करना आना ज़रूरी है। ट्रेडिंग मेनली तीन तरह की होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्कल्पिंग ट्रेडिंग। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयर की बाइंग और सेलिंग एक दिन के लिए ही होती है और स्विंग ट्रेडिंग में शेयर को आप बाय या सेल एक दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक के लिए कर सकते हैं। स्कल्पिंग ट्रेडिंग में आप कुछ मिनट में ही आप ट्रेडिंग कंप्लीट कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में ही अच्छा बेनिफिट कमा लेते हैं। पर दोस्तों, ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है, तभी सभी सफल इन्वेस्टर्स कहते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हैं तो आपको ट्रेडिंग के बजाय इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग मेनली स्टॉक डेरिवेटिव कमोडिटीज़ में ही की जाती है। स्टॉक्स में शेयर्स आते हैं, वहीं डेरिवेटिव में कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं और कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर्स आते हैं। आपको एक बात मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि सभी बड़े इन्वेस्टर्स ने ट्रेडिंग से नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही पैसे बनाए हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालाइज करके हम इन्वेस्टिंग करते हैं, जिसमें हमारा सारा प्रॉफिट कंपनी की ग्रोथ से ही बनता है। और अगर कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस से हम ट्रेडिंग करते हैं, जहां पर सिर्फ शेयर के मूवमेंट से ही हमें प्रॉफिट बनता है, पर स्टॉक मार्केट में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये दोनों नहीं करते हैं और हमेशा लॉन्ग टर्म तक के लिए लॉस में ही बने रहते हैं। इसलिए आप ऐसी गलती कभी भी ना करें। आपको हमेशा मार्केट के सभी एनालिसिस को करना आना चाहिए और आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना भी ज़रूरी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।